गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज साइंस क्लास 6 चैप्टर 7 गेटिंग टू नो। इन दिस चैप्टर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर द रूट, लुक एट द फिगर 7.13। हु डू यू थिंक एज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, पहेली और पूछो वाई। यहाँ देखना है हमें कि पहेली और पूछो में से कौन सही तरीके से पानी दे रहा है और क्यों। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल, कौन सा प्लांट का पार्ट है जो सॉइल में होता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी, चलो देखते हैं कौन सा पार्ट होता है इसके अंदर। एक्टिविटी के थ्रू हम देखते हैं, समझते हैं कि कौन सा पार्ट होता है जो सॉइल के अंदर होता है। एक्टिविटी 6, यू वुड रिक्वायर टू पॉट्स सम सॉइल, खुरपी फॉर डिगिंग, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर। आपको ज़रूरत होगी दो पॉट की, कुछ मिट्टी की, खुरपी की खोदने के लिए, ब्लेड और दो पेयर सीजर के और वाटर की। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी 4-5 स्टूडेंट के ग्रुप में की जा सकती है, हो सकती है। सेलेक्ट टू वीड्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड फ्रॉम एंड डिग देम आउट। दो वीड का मतलब जंगली घास होता है, या फिर आप कोई दो पौधे ले सकते हैं, एक ही प्रकार के दो पौधे लेने हैं फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड से, एंड डिग देम आउट, और उन्हें क्या करना है, उखाड़ के ले आना है। टेक केयर देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, ये देख ध्यान रखना है कि उसकी जो रूट्स हैं वो ब्रेक ना हो, टूटे नहीं। प्लांट्स ऑफ वन ऑफ द वीड्स इन द सॉयल इन पॉट ए, फिगर 7.14। एक प्लांट को हमने किस में कर दिया है, ए में। देखिए ये फिगर दे रखा है 7.14, उसमें हमने इसे लगा दिया है। एंड और दूसरा क्या है, कट ऑफ द रूट फ्रॉम द अदर वीड एंड प्लांट इट इन द सॉइल इन पॉट बी, फिगर 7.14। कट ऑफ द रूट, और एक की हमने रूट को काट दिया है फ्रॉम द अदर वीड, दूसरे वीड से, एंड प्लांट इट इन द सॉइल, और इसे हमने प्लांट कर दिए सॉइल में, ठीक है। ये फिगर 7.14 देख लीजिए। वाटर देम रेगुलरली, और हमने इन्हें रोज पानी दिया इसमें। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर द वीक, प्लांट को हमें ऑब्जर्व करना है एक हफ्ते के बाद, ठीक है। आर बोथ प्लांट हेल्दी, क्या दोनों प्लांट हेल्दी होंगे, आपको ये एक्टिविटी करके देखनी है कि क्या ये दोनों प्लांट हेल्दी होंगे या नहीं, क्योंकि हमने एक प्लांट को रूट के साथ हमने प्लांट किया और एक प्लांट की हमने रूट को कट ऑफ कर दिया और फिर उसको हमने प्लांट किया, तो देखना है हमें, और उसे रेगुलरली उसमें पानी दिया देना है। हमें ये देखना है कि कौन सा वाला पौधा जो है वो हेल्दी है। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, दोनों प्लांट को वाटर रेगुलर देना है। बट वन इज़ विदाउट रूट, लेकिन जो एक बिना रूट का जो पौधा था, इजेंट इट, वह नहीं है। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड, क्या ये एक्टिविटी आपको हेल्प करती है। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट, ये बताने के लिए कि रूट का क्या इम्पॉर्टेंट क्या महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट, चलो एक्टिविटी समझते हैं कि कोई और दूसरा जो फंक्शन है रूट का। एक्टिविटी सेवन में देखना है हमें, वी वुड रिक्वायर्ड सीड ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी एंड सम वाटर, हमें ज़रूरत होगी इसमें ग्राम की या फिर मक्के की, ग्राम माने चने की, मक्के की, कॉटन की, कटोरी की और कुछ पानी की। टेक दो कटोरी लेनी है। प्लेस सम वेट कॉटन, और गीला कॉटन लेना है इन दैम। पुट 3 or 4 सीड्स, और 3 या 4 सीड्स को रखना है ग्राम के या मेज़ के, इन वन एंड मेज़ इन द अदर, एक में तो मेज़ का रखना है और एक में ग्राम का रखना है बीज। कीप द कॉटन वेट, और कॉटन को गीला करना है बाई स्प्रिंकलिंग, मतलब छिड़काव करके। वाटर एवरी डे, डेली हमें छिड़काव करना है उन कॉटन पे और उसे गीला करते रहना है। अनटिल द स्प्राउट हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट, जब तक वो स्प्राउट जो है यंग प्लांट में ना तब्दील हो जाए, बदल जाए। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल, और एक हफ्ते के बाद हमें सेपरेट करना है कॉटन वूल से यंग प्लांट को। फिगर 7.15 देख सकते हैं आप।
यंग प्लांट्स ग्रोन ऑन कॉटन वूल, कॉटन वूल में हो रहे हैं। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स, क्या ये ईजी था सेपरेट करना कॉटन वूल से रूट्स को, और क्यों? इन एक्टिविटी सिक्स वी वुड वी कुड नॉट ईजीली पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। हमने एक्टिविटी सिक्स में पढ़ा कि कैसे कि कोई भी प्लांट को हम आसानी से कैसे उखाड़ नहीं सकते थे ना, इसमें पुल आउट नहीं कर सकते, पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल कुड नॉट नहीं कर सकते थे, राइट? यानी कि सही है ये बात। वी डग देम आउट, और वी डग देम आउट उखाड़ने के लिए है ना, डग देम आउट मतलब डग मैंने उखाड़ लेना ना। द रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फ्रेमली इन द सॉइल, जो रूट होती है वो हेल्प करती है किसी भी प्लांट को होल्ड करने के लिए, फ्रेमली का मतलब दृढ़ता से यानी कि बहुत मजबूती से खड़े रहने के लिए। दे आर सेट द एंकर द प्लांट टू द सॉइल, इन्हें हम एंकर कहते हैं यानी कि लंगड़ कहते हैं, किसी भी प्लांट की जड़ को लंगड़ कहा जाता है क्योंकि वो सॉइल के अंदर खुद को बहुत मजबूती से जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स, आपने बहुत अलग अलग प्रकार के स्टेम को और लीव्स को देखा होगा। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वैरायटी, क्या रूट्स भी की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, लेट अस फाइंड आउट, चलो इसको देखते हैं। ओके सो टुडेज क्लास फिनिश हियर, टुमारो वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 8। ओके सो हैव अ नाइस डे, बाय।